एक आतंकवादी हमले में जिस तरह से आज हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी जितनी भी भ्रष्टना की जाए उतनी कम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों में मैं इनकी भ्रष्ट ना करूँ, इसकी आलोचना करूँ। कब तक हमारे ये जवान शहीद होते रहेंगे? ये जो आतंकवाद की बीमारी है, उसका हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल ढूंढ निकालना पड़ेगा। इसको, ये जो बीमारी को हमें नेस्ट नाबूद करना होगा और उसमें सबको साथ मिलकर चलना पड़ेगा। सरकार अगर जो भी कदम उठाना चाहती है उसमें हम सरकार के साथ हैं। हमारे जवान जो बेचारे, कुछ तो ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई, और अगर शादी भी हुई तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हो सकता है कुछ उम्र में भी थोड़े से बड़े हो, लेकिन एक परिवार का इंसान जवान इतनी मेहनत के बाद वो सेना में भर्ती होता है, उसका चले जाना ये सबसे बड़ी परिवार के लिए और हम सब के लिए दुखद घटना होती है।